हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। दिस साइड प्रशांत चौधरी। एंड गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार आप लोग कैसे बहुत ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरी टीम के भी और काफ़ी सारे एफिलिएट्स के अंदर जो ऑलरेडी जो ज्वाइन है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि यार मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न्यू होते हैं ना, वो उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि भाई ठीक है मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा, बट आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके साथ भी आ रहा होगा कि आपके साथ लोग ज्वाइन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि लोग कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग कहाँ से आएंगे, लीड्स कहाँ से आएंगे। आपको लीड जनरेट करने का कुछ ऐसे एक प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा, उसके बाद उस पर कैसे वर्क किया जाएगा वो आपको बताऊंगा। सारे सभी लोगों ने ये जाना, सबको पता होगा यार, सबको ही पता होगा कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जितनी चाहो उतनी ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हो। बट उसके ऊपर भी आपको एक तरीका ढूंढना होगा, एक तरीका आपके पास होना चाहिए जहां से हम लीड जनरेट कर सकें। वरना इंस्टाग्राम पे तो बहुत कुछ करा जा सकता है, डायरेक्ट DMs करे जा सकते हैं, और आपको क्या कहते हैं कॉमेंट्स मैसेजेस करके या आपके कॉमेंट लाइक करके, फॉलो करके, अनफॉलो करके, मतलब इतने सारे तरीके हैं जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बट एक सही तरीका जिससे लोग आपके पास खुद से आएँ, वो एक तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में उस तरीके के बारे में आज मैं पूरा एक ही डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल एक तरीके के साथ। ऐसा नहीं होगा कि मतलब पूरे इंस्टाग्राम के बारे में बताने लगूँ, पूरे इंस्टाग्राम के बारे में अगर मैं बताने लगूँ तो ये पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इंस्टाग्राम के बारे में अभी बताया और अभी ख़त्म। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, लेकिन वो तरीका एक ऐसा बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है और सबसे ही किफ़ायती, सबसे ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वो। ओके, तो गाइज इंस्टाग्राम पे जो आपको लीड जनरेट करनी है उसके लिए आप बना सकते हैं रील्स। अब आप सोच रहे हो यार रील्स बना सकते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं रील्स बनाओ, बट रील्स का क्या फ़ायदा है, रील्स से कैसे आपके पास लीड्स आती हैं वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, रील्स अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे दिमाग के अंदर कि यार रील्स बना लें, बट हम कैसी रील्स बनाएं, किस टाइम उनको पोस्ट करें, कितनी रील्स एक दिन में पोस्ट करें, इस सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ आपको रील्स बनानी कैसे हैं। देखो, काफ़ी सारे लोग अलग अलग टाइप की रील्स बना सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है रील्स बनाने में अलग तरीके की भी, तो वो बना सकते हैं। अगर जिस जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसी बना सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं होता कि पर्टिकुलर इसी रील्स के ऊपर वर्क करो। बट हाँ, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो अपना फेस तो दिखा सकते हैं, बट यार हमको कैमरे के सामने बोला नहीं जाता या इस टाइप से चीज़ें जो होती हैं उनके साथ, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप बना सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग रील्स पर क्या करते हैं, सिंपल आप ऐसे करके डाल देते हैं, मतलब ऐसे डालते हैं, नीचे से कुछ स्टिकर आता है, फिर साइड हट जाते हैं और साइड में ऐसे ऐसे चलते रहते हैं वो। ठीक है, लिख लिख के आता रहता है टेम्पलेट्स वगैरह, ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होगा, आई थिंक आपने बहुत देखे होंगे लाइक ऐसे इस टाइप से ऊपर का डालते हैं ऐसे, ठीक है, फिर नीचे स्टेप बाय स्टेप स्टेप ऐसे करके होता है। इस टाइप की आप रील डाल सकते हो, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लिख के बता सकते हो, बोला नहीं जा रहा तो लिख के बता सकते हो, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा लीड्स आती हैं। ये जो तरीका है सबसे बेस्ट है, ठीक है, मुझे खुद से लगता है सबसे बेस्ट तरीका है। बट हाँ, मैं खुद से इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाया हूँ सही से। मैंने कुछ रील्स बनाई, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इंस्टाग्राम को जाकर चेक कर सकते हैं और आपको पता चलेगा वहाँ पर कि मैं कैसे करता हूँ। तो उसको देखकर भी आप कुछ आइडिया ले सकते हैं मेरी रील से, बट ये वाली मुझे सबसे बेस्ट लगती है। बट मैंने कभी फॉलो नहीं कराया क्योंकि मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, कोई नहीं बोल पा रहा होगा तो हो सकता है इसलिए कर रहे हो, या बोल सकता हो बट उसको अच्छा लगता हो ये करने के लिए, तो ये अच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बट मैंने आपको बता दिया ये तरीका भी होता है रील्स का। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तरीका आपको ये हो गया, अब आपको करना है अब रील्स से लोग कैसे आएंगे आपके पास, ये बताता हूँ। देखिए, जो लोग आपके इंस्टा लाइक वगैरह करेंगे, मतलब एक देखो, अब आपको रील्स डेली के डेली डालनी है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। कितनी रील डालनी है दिन में, देखो अगर आप थोड़े फ्री हो, आपको काम ही ये हो, तो आप 3 रील तो डालो। अगर आपको पास नहीं टाइम नहीं है यार इतना, तो 2 रील्स डालो। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा है कि यार 1 रील तो पर डे डालनी है, आपको ये फोकस तो रखो 1 रील तो आपको डेली डालनी ही डालनी है, आप क्या कर सकते हो, या तो एक ही दिन में काफ़ी सारी रील्स बना लो, 5-6 रील्स बना लो एक हफ्ते के लिए, वो काम करेंगी। हर संडे के दिन 5-6 रील बनाते जाओ, अपने डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसा कर सकते हो डेली एक एक रील डाल सकते हो, जैसे आपको सुइटेबल लगे वैसा आप कर सकते हो, बट आपको डेली की डेली डालनी है। अब इसके बाद आप मुझसे ये मत कहने लगना कि यार मैंने रील डाली बट अब मुझे तो आई नहीं लीड्स। लीड्स तब आएंगी जब आपकी एक भी रील वायरल होगी। अब रील वायरल होना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आपके यूट्यूब पर वीडियो वायरल होना जैसा नहीं है, रील तो बहुत ईजिली वायरल हो जाती है। ठीक है,
पहली पहली रील भी वायरल हुई है लोगों की, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, अगर आप डेली के डेली कंसिस्टेंसी से एक ही टाइम के ऊपर वर्क करते रहोगे ना रील के ऊपर, ठीक है, तो अपने आप से दो तीन रील अपने आप वायरल हो जाएंगी, 25,000 व्यू चले जाएंगे, तो आराम से उनसे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लीड्स हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। खुद से लोग मैसेज करने लगेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे बहुत। हाँ, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, लीड जनरेट करने के लिए आपके पास प्रोफाइल जो होनी चाहिए ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए। आप मेरी प्रोफाइल को भी जाके चेक कर सकते हो, मैंने थोड़ी अच्छी बना रखी है, आप मेरी तरह भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। तो प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा है यार, आप भी हो, अगर आप किसी को आप डायरेक्ट मैसेज भी कर रहे हो ना कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो बंदा पहले आपकी प्रोफाइल देखता है वो, कि भाई प्रोफाइल कैसी है इस बंदे की। अगर हाँ प्रोफाइल आपकी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी है, तो बंदा आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज करेगा और आपसे पूछेगा, ओके भाई मुझे भी करना है यार, प्लीज़ बता दो, ठीक है। तो वैसे होता है ये सारी चीज़ें। तो आपको करना क्या है, अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, और उसके बाद डेली के डेली वर्क करना है उसके ऊपर। जैसे कि आप अपनी रील्स डाल के, अपनी स्टोरी प्रॉपर डाल के, अपनी पोस्ट प्रॉपर डाल के, डेली के डेली इसके ऊपर वर्क करके आप अपने इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम एक अपना शोरूम है आपका, जिस पर लोग आते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स देखते हैं, आपकी चीज़ें देखते हैं, आपकी अर्निंग देखते हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पर आते हैं। व्हाट्सएप क्या है, आपका मतलब कि पेमेंट कटवाने वाला सिस्टम, उस पर आप बता के लोगों को पैसे ले सकते हैं, मतलब एक तरीके से उनको प्लेटफॉर्म दे सकते हो और खुद की अर्निंग भी करवा सकते हो। तो ये सारा तरीका होता है इंस्टाग्राम पर वर्क करने का, रील्स के ऊपर ये लीड जनरेट करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। वीडियो थोड़ी बोरिंग लगी होगी, तो मुझे लगता नहीं बोरिंग लगी होगी, बट आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छे से आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। ये तरीका लीड जनरेट करने का सबसे बेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी लीड जनरेट करने की और आपकी प्लेटफॉर्म कोई एफिलिएट प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस देखना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।